खबर आपको दे देते हैं जो आ रही है राजस्थान से, जहां कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है। राजस्थान के 19 उम्मीदवारों का किया ऐलान। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी मिला टिकट। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त जयपुर से, जहां कांग्रेस ने राजस्थान में किए हैं उम्मीदवारों की घोषणा। और साथ ही बता दें, राजस्थान के 19 उम्मीदवारों का किया है ऐलान। सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी मिला है टिकट। बड़ी खबर इस वक्त आप देख रहे हैं जयपुर से, जहां कांग्रेस ने राजस्थान में उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। राजस्थान के 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। और आपको बता दें, सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट मिला है जयपुर से। जयपुर से सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट मिला है। और साथ ही राजस्थान के 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है। कांग्रेस ने राजस्थान में किए हैं उम्मीदवारों की घोषणा। बड़ी खबर इस वक्त की दे रहे हैं आपको राजस्थान जयपुर से, जहां कांग्रेस ने राजस्थान के उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है। और साथ ही आपको बता दें, सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट मिला है जयपुर से। चले, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता हरिनाम हमसे जुड़ चुके हैं। हरिनाम, क्या जानकारी मिल रही है? जयपुर से सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट मिल चुका है। हम आपको बता दें कि रात को 11:30 बजे पहली सूची आई है, जिसमें 13 में से 9 सीट पर उतारे गए प्रत्याशी में पहली सूची में 3 महिलाएं भी हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो इनमें 10 पूर्व सांसद भी हैं। जयपुर में ज्योति रामचंद्र बोरा के सामने आई हुई है। वही हम बात करें जोधपुर में वैभव गहलोत, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उनके बेटे हैं। उनको अगर वही देखा जा रहा था तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं, वो काफी समय से लगे हुए थे अपने बेटे को लॉन्च करने के लिए। अब बहुत बड़ी खबर ये सामने आई है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया है। अब ये नतीजा 2019 में देखा जाएगा कि अब उनका बेटा किस तरीके से जनता के सामने ये काम करके दिखा सकते हैं। अगर हम वही बात करें भाजपा से, तो भाजपा में अगर बीकानेर में अर्जुन राम मेघवाल के सामने मदन गोपाल मेघवाल है, तो वही झुंझुनू में नरेंद्र खीवर नरेंद्र खीजर के सामने शरद कुमार है, और सीकर में सुमेंद्र नंद सरस्वती के सामने सुभाष महरिया कांग्रेस से है, और टोंक से सुखबीर सिंह के सामने नमो नारायण मीणा है। वहीं पर अगर हम बात करें पाली में पीपी चौधरी के सामने कांग्रेस की तरफ बद्रीराम जाखड़ है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण समीकरण के साथ देखा जा रहा है। अगर हम जाति समीकरण की बात करें, जाट के 4, राजपूत के 3, वैश्य के 1, मुस्लिम के 1, ओबीसी के 1, एसबीसी के 1 और एसटी के 5, और एसटी के 3 कैंडिडेट उतारे गए हैं। अगर हम बात करें 4 सीटें पहले चरण की, अजमेर, राजसमंद, भीलवाड़ा और झालावाड़ में ये सीटें अटक गई है। वही हम दूसरे चरण की बात करें क्योंकि जयपुर की ग्रामीण से गंगानगर सीट पर नहीं जारी हो सके हैं नाम। अगर हम विधानसभा की बात करें, जो चुनाव हारे हुए भी बने हुए प्रत्याशी 6 नए चेहरे को भी मैदान में उतारा गया है। जी, चले, धन्यवाद हरिराम इस जानकारी के लिए। तो दर्शकों को एक बार और बता दे, राजस्थान जयपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां कांग्रेस ने राजस्थान में किए हैं उम्मीदवारों की घोषणा, ऐलान हो चुकी है। आपको बता दें, 19 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, और साथ ही राजस्थान के सीएम गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी टिकट मिला है।